आज हम आपको हमारी इस टॉकिंग पेंटिंग सीरीज के माध्यम से एक प्रसिद्ध मॉन्यूमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही रोचक है। ये प्रसिद्ध स्मारक है माउंट रशमोर। स्मारक संयुक्त राज्य अमेरिका में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों पर आधारित एक मूर्तिकला है और इस वाटर कलर पेंटिंग में इसका बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कीस्टोन के समीप स्थित गोलजोन बोरगलम द्वारा निर्मित स्मारक माउंट रशमोर नेशनल मेमोरियल एक ग्रेनाइट मूर्तिकला है जो कि 60 फुट अर्थात लगभग 18 मीटर ऊंची है। संयुक्त राज्य के भूतपूर्व राष्ट्रपति के चेहरों की मूर्तिकला को अंकित करने के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले 150 सालों के इतिहास का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें जॉर्ज वाशिंगटन 1732 से 1799 तक, थॉमस जेफरसन 1743 से 1826 तक, थियोडोर रूजवेल्ट 1858 से 1919 तक और अब्राहम लिंकन 1809 से 1865 तक अमेरिका के राष्ट्रपति हुए। संपूर्ण स्मारक 1278.45 एकड़ लगभग 5.25 किलोमीटर में फैला हुआ है और 5725 फीट समुद्र तट से ऊपर है। इसकी देखरेख नेशनल पार्क सेवा द्वारा की जाती है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिकी विभाग का ब्यूरो है। इस स्मारक को वर्ष में लगभग 2 मिलियन लोग देखने आते हैं। मूलतः इसे लकोटासी उक्स भी कहा जाता है और इसमें 4 महान लोगों की मूर्तियां उकेरी गई हैं। 1885 में न्यूयॉर्क के एक जाने माने वकील चार्ल्स रुशमोर के नाम पर इस पहाड़ का पुनः नामकरण किया गया। असल में रशमोर पर्वत में इस तरह की कलाकृति उकेरने का उद्देश्य दक्षिणी डकोटा की ब्लैक हिल्स में पर्यटकों का आकर्षण बढ़ाना था। 1927 में नक्काशी का काम शुरू हुआ और 1941 में ये बनकर तैयार हुआ। 1923 में इतिहासकार डोने रॉबिन्सन के दिमाग में ये आइडिया आया और उन्होंने मूर्तिकार गोलजोन बोरगलम को नक्काशी के लिए तैयार किया। बोरगलम माउंट ने रशमोर को चुना। ये एक शानदार स्थान था क्योंकि आंशिक रूप से इसका मुखमंडल दक्षिण की ओर था और सूरज की रोशनी इस पर अधिक से अधिक पड़ती। 4 अक्टूबर 1927 और 31 अक्टूबर 1941 के बीच कुस्टन बोरगलम और 400 कर्मचारियों ने अमेरिकी राष्ट्रपतियों की विशाल मूर्ति की नक्काशी कर एक शानदार मूर्तिकला का उदाहरण प्रस्तुत किया। थॉमस जेफरसन की छवि मूलतः वाशिंगटन के दाएं क्षेत्र में बनाई जानी थी लेकिन काम शुरू करने के बाद उस चट्टान को अनुपयुक्त पाया गया, इसलिए जेफरसन की छवि पर हुए कार्य को ध्वस्त कर दिया गया और वाशिंगटन के बाएं क्षेत्र में उनकी नई छवि की नक्काशी की गई। वैसे इस मूर्तिकला पर और कार्य होना था लेकिन अपर्याप्त धन के चलते अक्टूबर 1941 में नक्काशी को समाप्त करने पर मजबूर होना पड़ा। बाद में इस पर और कार्य हुए और आज यह स्मारक यादगार और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। अब कुछ बातें पेंटिंग के बारे में। यदि आप बिगनर हैं तो ये ध्यान रखें कि वाटर कलर पेंटिंग में कलर के साथ पानी का उपयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है जो कि आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि पेंटिन में इंक पेन का उपयोग किया गया है, जो कि पेंटिंग को एक सुंदर इफेक्ट दे रहा है। आशा है इस खूबसूरत पेंटिंग के साथ इससे संबंधित जानकारी भी आपको पसंद आई होगी।